रेल इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से उड़ीसा रेल दुर्घटना में कम से कम 288 यात्रियों की मौत हो गई और 1100 से अधिक यात्री घायल हो गए। अब इस भीषण रेल हादसे को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजाद भारत के शायद सबसे दर्दनाक रेल हादसे पर सरकार से सवाल है। विज्ञापनी पीआर हथकंडों ने सरकार के काम करने की प्रणाली को खोखला बना दिया है। यह सवाल है कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं जो पीएमओ भर्ती करता है, उनको 9 सालों में क्यों नहीं भरा गया। इस विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि 10 से 12 चमकती धमकती रेल दिखाने के चक्कर में पूरा ढांचा चरमराता जा रहा है। पवन खेड़ा ने साथ ही कहा कि इस्तीफे का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना, लेकिन यहां नैतिकता बची नहीं तो किससे इस्तीफा मांगे। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि ट्रैक मेंटेनेंस का बजट लगातार कम होता गया है। रेल की रिपोर्ट बताती है कि 3,12,000 पद रिक्त हैं, प्राण जाए पर पीआर ना जाए। सरकार को ये नीति छोड़नी होगी। क्या रेल मंत्री से इस्तीफा लेंगे? क्या सीएजी और स्टैंडिंग की रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे? हमारे ये 3 सवाल है जिनका जवाब हम चाहते हैं। वहीं इस विवाद पर शक्ति सिंह गहलोत ने कहा कि पीएम ने कहा कि जो जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इस मामले में सीधे सीधे जिम्मेदार सरकार है। इस हादसे में जिनकी मौत हुई उन्हें श्रद्धांजलि। भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट हाथों में थी। रेलवे की पैसेंजर सेफ्टी के लिए एक कमीशन होना चाहिए। ये कमीशन रेलवे के अधीन नहीं, उसे नागर विमानन के अधीन रखा। इस हादसे में कसूरवार पूरी तरीके से सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल को संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में रेल मंत्रालय ने रेल संरचना आयोग की राय पर विचार किए बिना खोलने के नियमों में संशोधन किया। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था आयुक्तों को भारतीय रेल आयामों की अनुसूची के उल्लंघन को माफ करने का शक्ति प्रदान करना। पहले यह शक्ति सीआरएस और सीसीआरएस की सिफारिश के साथ रेल मंत्रालय के पास निहित थी। साथ ही कांग्रेस ने इसे पलटवार करते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। इस संशोधन के संरक्षा निहार्थ रेल मंत्रालय को भी बताए गए थे। आयोग का अभी भी यह मत है कि संशोधन सुरक्षा के हित में नहीं है और सुरक्षा को समीचीनता पर वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। सरकार का फर्ज बनता है कि वैकल्पिक व्यवस्था करे और सुविधा दे। हम भी मांग करते हैं कि तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करें। जो रेलवे से जाने वाले थे नहीं जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करें। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भी लोगों की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें। उड़ीसा रेल हादसे के बाद लगातार कांग्रेस और सभी विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं, क्योंकि अभी तक का सबसे इतिहास का दर्दनाक हादसा है जिसमें देखा गया है कि मानवीय चूक हुई है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधा सीधा विपक्षी जो है रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि रेल में बैठने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा रेल अधिकारियों और रेल मंत्रालय के हाथ में होती है और उनकी नैतिकता बनती है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें। मगर इतने सारे नई व्यवस्था लाने के बाद भी और इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी जो है रेल अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाई है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्ष जो है वो लगातार निशाना केंद्र सरकार के ऊपर साध रहा है।